जय हिंद दोस्तों, हम एक्चुअ सर नारदिंद वाले और आप देख रहे हैं एक्चुअ मैथ क्लासेस। तो इधर उधर की बातें किए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम त्रिकोणमिति में एक होमवर्क दिए थे जो मान पर आधारित था, जैसे ये वाला। अब साइन 90 का मान आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान भी 1 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होता है। एक एक दो और ये से भी एक हो जाएगा, मतलब जोड़ के इसका आंसर हो गया 3। तो पिछले क्लास में हम होमवर्क दिए थे, कहे थे बना लीजिएगा, पता नहीं आप बनाए थे या नहीं बनाए थे। अब एक बार फिर से मान को हम याद करा देते हैं। जैसे कि साइन की अगर बात की जाए, मान लो साइन थीटा का वैल्यू, अगर साइन आपको याद हो तो देखो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू फिक्स है कि 0 होगा और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होगा। ये सब पहले भी हम बताए थे। अब कॉस पे जरा आ जाओ, कॉस थीटा। देखो जो साइन 90 डिग्री है ना, वही वाला कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होता है, क्योंकि उधर 90 डिग्री तो इधर 0 डिग्री। जैसे जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होता है ना, साइन में 60 तो कॉस में हो जाएगा 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 और साइन 45 कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है, साइन 30 डिग्री, साइन में 30 डिग्री तो कॉस के लिए वो 60 डिग्री होगा, तबे ना साइन 30 और कॉस 60, मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री जोड़ के 90 डिग्री होगा 1/√2। जो साइन 0 डिग्री है वो कॉस 90 डिग्री होगा, इतना याद रखना था। एक चीज़ और हम कहे थे कि याद रखना टेन थीटा, तो कहे थे कि 0/1 मान लो 0, ये /2/2 कट गए थे 1/√3 और यहाँ तो पूरे पूरी कट गया तो 1 और ये हो जाएगा √3 और इनफाइनाइट। कॉट भी मान लो निकाल लो, ऐसे तो कॉट उस दिन भी हम बताए थे, दो दिन हम बता चुके हैं। या तो पलट दो एक को ऊपर और 0 नीचे, तो एक ऊपर और 0 जैसे ही नीचे होगा इनफाइनाइट, इसको मतलब √3/2 ऊपर कर दो, क्योंकि कॉट थीटा के मतलब होता है कॉस थीटा बटा साइन, तो इसको समझो ऊपर और 1/2 को समझो नीचे, मतलब ये जे पलट दो ना यार, √3 ऊपर चल जाएगा सीधे सीधे, इतना काले कहाँ निकल रहा है, एक को ऊपर टू एक रहेगा, इसको पलट दो तो 1/√3 हो जाएगा और इनफाइनाइट को पलट दोगे तो 0। ये चार को वैल्यू पूरा एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए, तभी आगे समझ में आएगा। 15 क्वेश्चन हम पहले बताए थे, उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, पहला नंबर। दूसरा क्वेश्चन, कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस में साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, थर्ड नंबर में टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, चौथा नंबर भी लिख लेते हैं, 2 tan 30 डिग्री पर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, टेन 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री इंटू सेक 40 डिग्री। चलो पहले यही 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। मान तो आपको यहीं से बैठाना है, जैसे साइन 90 के मान, तो साइन थीटा में 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गया
कॉस 0 डिग्री के मान, एक हो गया, टेन 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री 0 हो गया, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री के वैल्यू एक हो गया, सबको जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर देखो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60, कॉस 60 के वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री के वैल्यू √3/2, माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री के वैल्यू √3/2, साइन 30 डिग्री के वैल्यू 1/2, दोनों तो सेम चीज़ है, इधर भी √3/4, √3/4, तो दोनों कैंसिल, हट के 0 हो गया। यहाँ देखो टेन 30 के वैल्यू, तो टेन 30 डिग्री के वैल्यू, टेन 30 डिग्री के वैल्यू 1/3, कहेंगे 3 का है लिखे, यहाँ तो रूट है स्क्वायर के कारण। टेन 45 डिग्री का मान 1, माइनस सॉरी प्लस में, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री √3 है लेकिन स्क्वायर की वजह से सिर्फ 3, सबको जोड़ देना था, इसे भी 3 × 4 हो गया और इसको गुना कर दें, चलती है 12 × 13/3 जोड़ के देख लेना, एक मिनट नीचे तक दिखाई दे रहा है या नहीं इस क्वेश्चन को अगर देखो। 2 टेन 30 डिग्री के वैल्यू, टेन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3, बड़ा 1 − tan 30 डिग्री, लेकिन उसका स्क्वायर करना था, 1/3 लिखो, इसी को हम इधर सॉल्व कर देते हैं, ये तो हो गया 2/√3, इधर घटाव बना तो 3 × 1 = 1 मतलब 2/3, 2 से 2 कैंसिल, जो सबसे नीचे है ना इधर सबसे ऊपर भेज दो, मतलब 3 / √3, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चल गया, हालांकि इसे ही कट जाएगा क्योंकि कटने के बाद बचेगा √3, क्योंकि 3 के मतलब होता है √3 × √3 दो बार। जैसे यहाँ देखो टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, सेक 45, तो सेक 45 का मान खैर मुश्किल है याद रखना, तो कोई बात नहीं, आप कॉस 45 के मान जानते हो ना, कॉस 45 के मान उलट दो मतलब √2 हो जाएगा, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। टेन 60 डिग्री के वैल्यू, तो टेन 60 डिग्री के वैल्यू √3, देख लो टेन 60 के वैल्यू √3, फिर सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री कैसे निकलेगा, कॉस 30 डिग्री को पलट दो, मतलब 2 ऊपर और √3 नीचे, तो 2 ऊपर हो गया, √3 नीचे हो गया, चाहो तो काट सकते हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि √3 √3 के एलसीएम ले लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इधर से √2 इधर से हो गया, सॉरी इधर से हो गया 2√3 अगर इतने पे छोड़ देते हो तो अच्छा है, लेकिन आंसर अगर पूरा पूरी सही से लिखना है तो √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना, ऊपर तो हो जाएगा √6 और नीचे हो जाएगा √3 √3, मतलब गुना के सिर्फ 3, यानी 6 / 3, नीचे से रूट ख़त्म, मतलब यही वाला हो जाएगा आंसर। इतना क्वेश्चन हो गया क्लियर, और भी बताते हैं, देखो क्वेश्चन तो बहुत सारा है लेकिन अगर समझना होगा तो 10-20 क्वेश्चन में समझ जाओगे, और बताने के क्या है, बताने के तो हम 100-150 क्वेश्चन इसके ऊपर बता दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं, मतलब ठीक है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम बताते हैं फिर भी एक लिमिट होता है, ऐसा थोड़ा कि इसी पे दनादन लगल रहेंगे। चलिए 5 को बताएं, 6ठा नंबर जरा क्वेश्चन और देखते हैं, कॉस 30 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, 7वां नंबर क्वेश्चन, 2 sin²30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, 3 cos²60 डिग्री, sec 30 डिग्री, 8वां नंबर क्वेश्चन, 2 sin²60 डिग्री प्लस cos²60 डिग्री प्लस 10²30 डिग्री, 9वां नंबर, 4 sin²30 डिग्री प्लस 2 sin²30 डिग्री माइनस में 2 tan²60 डिग्री, 2 cos²30 डिग्री प्लस cos²45 डिग्री माइनस में 2 tan²
45 डिग्री। देखिए 10 क्वेश्चन, वही फिर मान ढूंढ के रखना है, जैसे कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, ढूंढो कॉस 30 डिग्री, यही पे ढूंढ लीजिए। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो गया √3/2। कॉस 45 के मान यहीं पर लिखा हुआ है, कॉस 45 1/2 माइनस में साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 गुने साइन 45 के मान 1/√2। एलसीएम लेना है तो 2√2 और 2√2, तो एलसीएम तो फिक्स हो गया कि 2√2 ही होगा। इधर हो गया √3 और माइनस में 1, इतने चाहते हो तो छोड़ दो, और नहीं अगर चाहते तो √2 से ऊपर और नीचे गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 साइन 30 डिग्री के वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री के वैल्यू 1/2 है, लेकिन हम लिखेंगे 1/4 क्योंकि स्क्वायर, और गुने टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस में 3, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू ढूंढेंगे, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, हाँ 1/2, लेकिन स्क्वायर के वजह से 1/4 लिखेंगे, गुने सेक 30 डिग्री। अब सेक 30 डिग्री निकालना मुश्किल है, आप कॉस 30 डिग्री को पलट दो, यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा 2/√3। मुश्किल क्यों कर रहे, क्योंकि नीचे जगह ये छोड़ा, देखो 2√3/4 और यहाँ 3 × 6, दोनों में अंतर तो है, यहाँ पे बटा में √3 है। एक काम करो, इसको लिखो 2√3/4 माइनस में, इसको लिखो, इसे कैंसिल कर दो, 2 × 4, तो बच जाएगा 3, और ये भी का इसे कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, इसे ही कट जाएगा, अगर काटोगे तो √3 बचेगा, बटा में 2, ये जो तो कट ही जाएगा, तो √3/2 कट के हो गया 0। ये समझ में नहीं आया होगा क्योंकि भिन्न के जोड़ है, यहाँ पर ज़्यादा माथा पेची हमको नहीं करना है, भिन्न के जोड़ है, चौथा पाँचवा सिखाया जाता है आपको। 2 sin 60 डिग्री का वैल्यू, अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2, इसको लिखो 3/4 प्लस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2, लेकिन स्क्वायर की वजह से 60, टेन 30 डिग्री का वैल्यू, तो 1/√3, लेकिन स्क्वायर की वजह से सिर्फ 3, इसे ही कट जाएगा 2 × 2, तो पता चला कि सब कैल्शियम निकालो तो चलती है 12, ये हो जाएगा 2 × 12 इसलिए 3 × 18, चलती है 12 इसलिए सिर्फ 3, 3 × 12 इसलिए 4, सबको जोड़ दिए तो 25/12, इतना आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं 9 और साइन 30 डिग्री के वैल्यू, साइन 30 के मान, अब इतना देर से हम साइन 30 के मान बता रहे हैं कि साइन 30 डिग्री के मान 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से 1/4 हो गया 2, फिर साइन 30 डिग्री है, अरे यार ऐसे कैसे हो गया, इससे कैसे हो गया, 2 बार एक ही चीज़ में कहा लिख ले, हम गलती करती हैं कि हमने गलती कर दी, यही गलती लिख ले, माथा खराब है, सेम चीज़ में 2 बार कहा लिख ले था, किताबें में ऐसा लिखा हुआ, दिमाग ख़राब हो गया इसका, ऐसे लिख ले कहा था, 2 को यहाँ है, 4 को यहाँ, डायरेक्ट बोलो 6 को हो गया, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/4, साइन 30 डिग्री वैल्यू तो 1/2 ही है, लेकिन स्क्वायर की वजह से 1/4, माइनस में 2, टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री के वैल्यू √3, लेकिन स्क्वायर की वजह से सिर्फ 3, 3 × 6 2 × 4, तो 3/2 हो गया, और इन्हें हो गया 6, घटा देना तो 6 × 12, 3 में से 12 गया तो −9/2 हो जाएगा। जैसे हम हमेशा क्वेश्चन देते हैं वैसे ही फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगी, अगर नहीं बने तो फिर देखा जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। देखो इसकी कोई गारंटी हम नहीं लेते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो में बता ही देंगे, इसका हम ऐसा कोई गारंटी नहीं लेते कि एकदम सॉल्व ही कर देंगे, एक क्वेश्चन दिए हैं आप खुद से प्रयास कीजिए, अगर बन जाता है तो अच्छा बात, चलिए इतना रहने देते, इसका तो बार बार यूज होते रहता है, नेक्स्ट पार्ट में इसको भी देख लेंगे। तो आज जितना देर भी क्लास चला आज यहीं तक, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो अपना काम कर देना यार, जो भी हम हमेशा कहते हैं ठीक है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, तभी आपके पास पर डे टाइम से वीडियो पहुंचता हो रहेगा, नहीं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कितना ढूंढोगे चैनल को बार बार नाम लिख के,
सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसे ही टाइम होगा 7 बजेगा आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा प्रीमियम। आप 7 बजे जैसे ही यूट्यूब ऑन करोगे, यूट्यूब जैसे ही चालू करोगे या मोबाइल अपना खोलोगे, वैसे ही यूट्यूब पे सबसे पहले मेरा वीडियो मिलेगा अगर सब्सक्राइब आप किए होंगे तो। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।